आपका स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। बहुत ही पावरफुल वीडियो है, वीडियो को पूरा देख लेना। कल के दिन के विषय में टिक मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। अगर आप एक मसीही हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ का सवाल है। आज एक मसीही अपना जीवन ऐसे बिता रहा है कि उसे कभी मरना ही नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में साफ साफ बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो मसीही पाप करते हैं नहीं छोड़ते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इसी तरह पाप करते रहिए और मरने के बाद आपकी आत्मा धोलोक में चली जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी आत्मा वहां से निकालकर स्वर्ग सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर उसका न्याय किया जाएगा और आपको वही शरीर पहनाया जाएगा जिससे आपने व्यभिचार और गलत काम किया है। फिर परमेश्वर आपको वहाँ डाल देगा जहाँ पर की आग जलाएगी और कीले काटेंगी। नर्क में जाना अच्छी बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पर पसीना छूट जाएगा। जो लोग आज गए हैं मरकर, जो लोग कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं कि कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार यहाँ ना आए। लेकिन आज हमारे मसीही नौजवान ऐसे पाप कर रहे हैं और पाप करके अपने आका को खुश कर रहे हैं, और परमेश्वर का सिर लज्जित कर देते हैं, और शैतान को बड़ा अच्छा लग रहा है। जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिराया था, और वही सारी शैतानी दुष्टात्माएं हर एक मसीही को पाप में गिराती हैं। शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है, और वही सारी शैतानी दुष्टात्माएं उस मसीही को उसी पाप में गिराती हैं। और हमारे मसीही नौजवान उस शैतान की जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाते हैं। वह मसीही उस शैतान की जाल से निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक आप शैतान को नहीं हरा पाओगे किसी भी तरीके से। अगर यीशु आज आ जाए और अभी आ जाए और आप इसी तरह पाप कर रहे हो, अगर यीशु आपको छोड़कर चला गया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर इस पृथ्वी पर रह गए, बहुत तड़पाया जाएगा मसीह विरोधी के दिन में। एक बार ही चांस दिया जाएगा स्वर्ग आने का। जो यीशु के साथ गया वो गया, जो लटक गया वो गया हमेशा के लिए नर्क की झील में। नर्क में जाना आसान बात नहीं है। शरीर में कीड़े काटेंगे, उस दर्द को बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है। इसलिए बचा लो अपने आप को उस नर्क की आग से और लौट आओ यीशु के पास, वो आपको माफ कर देगा। जरा सोचो, यीशु आज आ जाए और अभी आ जाए तो आपने ऐसा कुछ किया है कि मैं यीशु के साथ स्वर्ग जा पाऊंगा? मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेके जाएगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी मुश्किल से स्वर्ग से कचरा साफ किया है शैतान को नीचे गिरा के, और अब वही कचरा बटोर कर परमेश्वर दोबारा नहीं ले जाएगा। क्योंकि जहाँ पर यीशु रहता है वह जगह पवित्र है, और वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। अब बार बार परमेश्वर वही कचरा बटोर का स्वर्ग नहीं ले जाएगा। तुमने जो पाप किया है, यीशु ने देखा अपने पापों को, यीशु के सामने मानो और अंगीकार करो, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। वरना आपको पता ही है कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। अभी अपना मन फिरा लो और संसार से प्रिय मित्रता मत करो। जो आप संसार से मित्रता करता है वह अपने परमेश्वर को बैरी बनाता है। अगर आप संसार से प्रेम करते हो तो संसार के साथ ही मरोगे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। अभी समय है और अपना मन फिरा लो, वरना आपको बाद में मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा, वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा। जो लोग अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करने के बाद भी जो यीशु पर विश्वास करते भी नहीं हैं, और बड़े बड़े लोग, पास्टर लोग स्वच्छ सिंहासन के सामने खड़े होंगे और दुआ प्रार्थना कर रहे होंगे, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा, वे लोग रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। वहाँ माफ़ी नहीं दी जाएगी, वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा, और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको नर्क में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया था, उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा था। आप अपना समय व्यर्थ गवाया था, आप अपना समय एक लड़की को पटाने में गवाया था, सांसारिक बातों में गवाया था, और अपना मन फिरा लो और यीशु के पास लौट आओ और नाश होने से बच जाओ। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।